मेरा मॉर्निंग डोज सत्तू का पानी। मैं ये प्रेगनेंसी में डेली पीती थी, अब फिर से चालू की हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है फ्राइडे, तो हम लोग का घर जाने का जो इतना भी सारा काम हो रहा था उसमें ऑलमोस्ट 60% इज़ कम्प्लीटेड। आज कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन काम है, कुछ पोस्ट ऑफिस का काम है, तो उसके लिए अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करूँगी और हम दोनों निकलेंगे पोस्ट ऑफिस के लिए। और जो पासपोर्ट का काम पेंडिंग था वो मैं कल बोली थी इशू हो गया, आज डिस्पैच हो चुका है, आज पोस्ट ऑफिस में आ भी चुका है, तो हम लोग उधर से करेक्ट भी कर सकते हैं, तो जा रहे हैं तो करेक्ट भी कर लेंगे। और तो वो काम भी हो गया है, मतलब जाने से पहले सारा काम अच्छे से ही हो रहा है। कुछ विद गॉड ग्रेस कुछ अभी तक ब्लॉक्स नहीं है, तो यही एक अपडेट है। और अभी निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ इडली। सुबह मैं सत्तू का शरबत भी पी ली हूँ, फिर से रिचुअल मेरा स्टार्ट की हूँ, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहा था इसलिए वो और एक्सरसाइज मुझे स्टार्ट करना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मैनेजमेंट हो रहा है कि एक्सरसाइज कैसे करूँ, बट हाँ वो भी इंक्लूड करना है मेरे रेगुलर रूटीन में। और यहाँ पर हम लोग का एज यूजुअल ब्रेकफास्ट इडली। आज इडली बहुत सॉफ्ट बन रहा है, मतलब बना है, देख के लग रहा है। और सिंपल दाल, मसूर दाल है, इसमें टमाटर और क्या है मटर और गाजर। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लोग निकल गए हैं पोस्ट ऑफिस के लिए। अभी तक फिलहाल कुछ कॉल नहीं आया कि पासपोर्ट आया कि नहीं, बट जाके वहाँ पर चेक करेंगे। फिलहाल वहाँ का काम पहले निपटा लेते हैं। ऑफिशियल काम पोस्ट ऑफिस पे हो चुका है और अभी वो पोस्ट ऑफिस में ही हम लोग पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किए, तो वो ऑलरेडी आउट फॉर डिलीवर जो है उसका कॉन्टैक्ट भी मिल गया, उसको कॉल किए तो वो ऑलरेडी लोकेलिटी में है, तो हम लोग अभी घर ही जा रहे हैं, होपफुली मिल जाएगा घर जाते ही पासपोर्ट। लंच हो गया है और अभी मैं पौधों को पानी दी, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बहुत ड्राई हो रहा है ज़्यादा, तो पानी दी और तब नोटिस की कि कुछ कुछ लीव्स हो गया है, तो उसी का मैं चॉपिंग कर रही हूँ। सॉरी, चॉपिंग नहीं, ट्रिमिंग। तो देख रही हूँ ये न्यू लीव्स आया है इस पर और ऊपर का सारा सूख गया, तो ये सारा मैं ट्रिम कर दूँगी, तो जो न्यू प्लांट्स है उसको जो भी न्यूट्रिशन इसमें सॉइल में है तो ये न्यू प्लांट्स न्यू लीव्स यूटिलाइज कर पाए, तो इसे पुराने ऊपर वाले के जो भी सूख गया है उसे ट्रिम कर दूँगी। सेम इसका भी ऐसा ही हालत है, ये बुश ही तो है लेकिन अंदर आपको अगर दिख रहा है तो बहुत सारा सूखा सूखा वाला स्ट्रैंड्स भी है, तो उसको भी ट्रिम करना है मुझे। एंड यहाँ पर कुछ अपराजिता प्लांट का भी यही हालत है, तो ये सारा मैं अभी ट्रिम करने वाली हूँ। प्लांट्स का मैं ट्रिमिंग हो गया और देखिए जितना भी नई न्यू ग्रीन लीव्स है देखने में कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो वो तो पूरा ढक गया था सूखे हुए जो भी उसके ब्रांचेस थे उसमें। और ये इससे प्लांट बुशियर और हेल्दियर भी होता है। पीरियोडिकली अगर फर्टिलाइज़र भी ऐड करें तो उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है पीरियोडिकली ट्रिमिंग करना। ये प्लांट्स को पीरियोडिकली ट्रिमिंग करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये तो पूरा ऐसे ही एक्सपेंड होता है, तो ये सब प्लांट्स को वी कैन इवन स्किप, बट ये सब प्लांट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लगता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा और एक प्लांट है जैस्मिन का, उसका भी यही हालत है, तो मैं इसका भी अभी ट्रिमिंग कर देती हूँ। आज की कमाई गार्डन से ये सारे सूखे लीव्स यहीं पर कलेक्ट की हूँ मैं, इसको फेंकूंगी, तो जितने भी सूखे सूखे लीव्स मुझे दिख रहे थे सारे ट्रिम कर दिया है। लेमन ग्रास का अभी भी थोड़ा है लेकिन ठीक है, उतना चलेगा। और यहाँ पर हम लोगों का डेली का फ्रूट रेडी हो चुका है। आज थोड़ा
स्टाइलिश तरीके से ये डेकोरेट किया गया है, लेकिन दूसरे दिन ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं। तो ये है मेरा आज, मुझे वाटरमेलन जो है वो ऐसे ही खाना पड़ेगा क्योंकि आज जूस नहीं बनेगा इसका। मुझे वाटरमेलन का जूस ही पसंद है, और इसके साथ पोमोग्रेनेट भी है। पोमोग्रेनेट कहाँ है? पोमोग्रेनेट दो। ये किसका है? ये तुम्हारा है। तो अभी हम लोग का फ्रूट सेवा हो जाने दीजिए, उसके बाद प्रोमो ग्रेनेड खाते हैं। अब होम कैफे, होम कैफे में बैठ के फ्रूट चाट, फ्रूट चाट नहीं, ये है क्या बोलो, मिक्स फ्रूट, मिक्स फ्रूट है। पोमोग्रेनेट नहीं लाई तो बाद में लेके आऊंगी। और ये सनसेट इतना अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही सनसेट हुआ है तो बिल्डिंग के पीछे पूरा पिंक लाइट हो गया, बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। मेरा पासपोर्ट भी घर आ गया है, और जो पेंडिंग पैकिंग है अभी वो भी करना है क्योंकि सारा काम हो चुका है। प्रॉबेबली बाय नेक्स्ट वीक हम लोग घर चले जाएंगे। जस्ट फर्स्ट को शिवरात्रि भी है, बेबी का वैक्सीन भी है, वो टास्क हो जाए, उसके बाद फुल पैकअप एंड फिर हम लोग घर जाएंगे। वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ पर भी क्या क्या करना है। फिलहाल उसके लिए हम दोनों अभी फिटनेस रूल फॉलो कर रहे हैं, आगे शाम को चल ले इवनिंग वॉक के लिए। इतना इतना ठंडा ठंडा हवा दे रहा है ना, मैं कान बंद कर ली हूँ, जाने से पहले ठंडा नहीं लगाना है, एकदम ठीक जाना है। और ये है हम लोगों का डिनर, फिर से रिपीटेड ऑर्डर पनीर एंड चिकन फ्रॉम पंजाबी रसोई। इसका खाना इतना अच्छा होता है ना, जितना भी तारीफ करूँ उतना कम है। और अभी हम लोग ने शाम में एक फैमिली मूवी देखी, बंगाली टॉनिक, जो अच्छा है, आप लोग भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मूवी है, एंटरटेनिंग है। तो जल्दी से मैं इसे अभी सर्व कर देती हूँ। इसमें है हमारा चिकन, इसमें है मम्मी का पनीर, अब प्लेटिंग कर लेती हूँ मैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर।